देख बच्चा, रेडिएशन प्रेशर में हम लोग देख चुके थे बेटा, फॉर्मूला वगैरह है ना। अब चलो एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, रेडिएशन प्रेशर के ऊपर बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन। ठीक है, देखो बच्चा, मान लो यूं कहा जाए कि एक लाइट थ्रेड, मान ले बच्चा क्वेश्चन है कि एक लाइट थ्रेड है बेटा, बहुत हल्का धागा, इस हल्के धागे से एक प्लेट निकल रहा है ना, हल्के धागे से एक प्लेट लटका है बेटा, है ना, और इस प्लेट की लंबाई बेटा ए है और चौड़ाई बी है। ठीक है, ये हमारा ए है बच्चा और ये चौड़ाई बी है ना। अब कहो इस पे कि एक लाइट गिर रही है बेटा, लाइट यूं गिर रही है ना, लाइट की इंटेंसिटी हमारा आई, इसका मास एम, मास इसका एम, लाइट की इंटेंसिटी आई। ठीक है बच्चा, कहता है बेटा कि इफ इफ द सरफेस इफ द सरफेस इज इफ द सरफेस इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, है ना बेटा, सरफेस कैसा हमारा है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है बेटा, है ना, हाउ शुड बी द इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ मेटल फॉयल। ठीक है बच्चा, ये मेटल फॉयल का इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसा होगा। ठीक है, तुम्हें चुनना है ऑप्शन। पहला ऑप्शन तुम्हें दिया है बच्चा कि यहां से ये धागा ऐसा हो जाएगा और ये प्लेट भी सेम लाइन पे आएगा, ऐसा पूरा सिस्टम ऐसे हो जाएगा तिरछा। ठीक है, दूसरा हमारा ऑप्शन दिया है बच्चा कि धागा हमारा वर्टिकल रहेगा, धागा हमारा बेटा वर्टिकल रहेगा है ना, लेकिन प्लेट जो है वो हल्का सा इंक्लाइंड हो जाएगा, ऐसा प्लेट हमारा हल्का सा इंक्लाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चा, है ना। दूसरा कहता है बेटा, तीसरा ऑप्शन, तीसरा कहता है बेटा कि तीसरा कहता है कि बेटा देख, धागा हमारा इंक्लाइन हो जाएगा और प्लेट वर्टिकल रहेगा। ठीक है, चौथा कहता है बेटा कि धागा इंक्लाइन होगा, है ना बेटा, मान लो किसी खास एंगल पे, लेकिन प्लेट जो है बेटा वो किसी और एंगल पे इंक्लाइन होगा, ऐसे होगा, दोनों के इंक्लाइन का एंगल अलग अलग होगा। ठीक है, थ्रेड का एंगल कम, थ्रेड का एंगल कम, प्लेट का एंगल ज्यादा। और पांचवा ऑप्शन है बेटा कि थ्रेड का एंगल ज्यादा, थ्रेड का एंगल ज्यादा होगा बेटा, है ना, और प्लेट का एंगल कम। ठीक है ना, बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव में से सही ऑप्शन चुनो। 5 2 2 ये भी तो आई नहीं, 5 के बहुत ज्यादा ऑप्शन आ रहे हैं, आंसर्स 5 वाले ज्यादा हैं। ठीक है, अच्छा बताओ पहले हमें आखिर कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, हमें यहाँ बेटा कॉन्सेप्ट क्या लगाना है आखिर, सोचो। देख बेटा, कॉन्सेप्ट हमें ये लगाना है ना कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में कैसे होगा, बोलो। कॉन्सेप्ट जो आएगा बच्चा वो तो इक्विलिब्रियम का आएगा ना बेटा, है ना। अब बोलो इक्विलिब्रियम में क्या सोचोगे बेटा, इक्विलिब्रियम में क्या सोचोगे, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल या दोनों, बोलो बेटा। इक्विलिब्रियम में क्या सोचोगे, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल या दोनों, बोलो बच्चा, दोनों, है ना बेटा, बिल्कुल सही बात, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और क्या हमारा, सॉरी, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। देख बच्चा, अगर इसका बीडी बनाया जाए
इस वाले का बेटा एबीडी बनाया जाए तो कैसे कहोगे? कहोगे ऐसे हमारा टेंशन टी, यहां से बच्चा ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, और देख बेटा इस वाले से परफेक्टली ऑब्जर्विंग सरफेस है बेटा, तो परफेक्टली ऑब्जर्विंग सरफेस का यूं लगेगा फोर्स एफ, बोलो बेटा है ना, कौन सा फोर्स? फोर्स ड्यू टू रेडिएशन। तो बोलो तो बेटा ये सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो सकता है कि नहीं? बोलो, हो सकता है ना बेटा। टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट एमजी बैलेंस कर ले, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रेडिएशन फोर्स बैलेंस कर ले, हो सकता है बच्चा है ना। अच्छा अब देखो रोटेशनल हो सकता है कि नहीं? तो देखो बेटा सारे फोर्स को खींचो, क्या सारे फोर्स बेटा एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं? बोलो तो सारे फोर्स बेटा एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं या नहीं? बोल बच्चा, कर रहे ना बेटा? ठीक है, तो देख बेटा सारे फोर्स अगर एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट टॉर्क भी जीरो हो सकता है। मतलब ये सिस्टम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों ही इक्विलिब्रियम हो सकता है ना बेटा। अब चलो इस सिस्टम को चेक करें। देख बच्चा इसके लिए कहें अगर तो टेंशन हमारा ऐसे होगा बेटा, रेडिएशन का फोर्स ऐसे होगा है ना, और ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। बोल तो बेटा ट्रांसलेशनल में इक्विलिब्रियम हो पाएगा या नहीं? बोल तो बच्चा ट्रांसलेशनल में इक्विलिब्रियम हो पाएगा या नहीं? नहीं ना बेटा, क्या दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल में बैलेंस नहीं है, इसका मतलब ये तो बेटा किसी भी कीमत पे आंसर नहीं हो सकता, राइट ना। ठीक है अब चलो इसको देखते हैं बेटा। इसके लिए हमारा टेंशन टी, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी है ना बेटा, और रेडिएशन फोर्स ऐसे। बोलो बेटा ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अच्छा बोलो रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो सकता है कि नहीं? रोटेशनल, रोटेशनल में क्या कहा था बेटा? एक ही पॉइंट से पास करना चाहिए। बोलो तो सारा फोर्स बेटा एक ही पॉइंट से पास कर पाएगा क्या? अभी नहीं कर पाएगा ना, तो ये भी हमारा गलत है ना बेटा। अब अगर इसकी बात करो, इसके लिए टेंशन टी, यहां से बेटा ग्रेविटेशनल और यहां से बेटा रेडिएशन फोर्स, बोलो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना बच्चा, लेकिन रोटेशनल फिर देखो एक फोर्स पास नहीं करेगा ना, तो ये भी नहीं हो सकता है ना बेटा। इसकी बात करो, इसके लिए टेंशन टी एम जी है ना बेटा और रेडिएशन फोर्स, जो प्रॉब्लम उसका है वही प्रॉब्लम इसका भी है बेटा। इसका मतलब आंसर क्या होगा बेटा? आंसर हमारा फर्स्ट होगा। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है बच्चा है ना। अब देखो दूसरा सवाल, दूसरा सवाल इसमें यह है कि देख बच्चा कहता है इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम एंगल, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इक्विलिब्रियम में बेटा जो एक्सिन स्ट्रिंग हमारा डिफ्लेक्ट होगा बेटा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन है ना बेटा, ये कितना दिया है? ये तुमको दिया है बेटा 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 30 डिग्री है बेटा है ना, कोई फायदा नहीं हुआ इससे। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमारा 30 डिग्री है बेटा है ना। तो कहता है फाइंड, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फाइंड इंटेंसिटी। ठीक है, तुम्हारा क्या दिया है? मास दिया है बच्चा 10 ग्राम, ए दिया है 20 सेंटीमीटर, बी दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, और क्या चाहिए? पूरा अब्सॉर्बिंग है बेटा, हाँ और कोई फोर्स चाहिए नहीं बेटा। चलो बनाओ, सॉल्व करो इसको। सॉल्व कर बेटा। हाँ बेटा ये फर्स्ट ही पेज है। करो करो,
फोर में बेटा ट्रांसलेशनल तो हो जाएगा ना इक्विलिब्रियम, टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट एमजी बैलेंस कर ले, है ना, लेकिन रोटेशनल नहीं हो पा रहा है ना, एक ही पॉइंट से पास नहीं कर पाएगा ना बेटा, तीन ही फोर्स ना बेटा, तीन फोर्स में तभी ना आएगा जब क्या हो, एक ही पॉइंट से पास करे। अमितेश का आंसर आया, कुछ का आंसर आया, अमितेश बेटा वैल्यू निकाल इसका, पीई मतलब पूछ रहा है एक बच्चा कुछ, अरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भाई, पीई का मतलब कहीं से क्या फालतू से निकाल रहे हो बेटा, कि तुम मेरे साथ कौन बनेगा करोड़पति खेल रहा है क्या, तुक्का मार रहा है आंसर। अमर्थ का कुछ आंसर आया, कनिष्क का आया, अमर्थ का आया, सुमित सिंह सेगर का आया, देखते बच्चा मैं करता हूं, सीखो बेटा, देखो देख बेटा, ये तो क्लियर हो गया हम लोग को कि फर्स्ट डायग्राम ही एक्सेप्ट करना है बेटा हम लोग को, तो देखो बेटा अगर फर्स्ट डायग्राम ही एक्सेप्ट करें हम लोग, है ना, तो देख बेटा अभी बोलेगा ना कि इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आना चाहिए बेटा, बोल इसी लाइन पे आना चाहिए ना, इसका मतलब अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये भी एंगल हमारा थीटा होगा, बोलो होगा ना बेटा, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये मतलब हो गया बेटा tan थीटा शुड बी इक्वल टू f रेडिएशन बाय mg, बोलो बेटा, ठीक है, तो देख बच्चा लाइट तो हमारा कैसे आ रहा है, लाइट तो यूं आ रहा है बेटा, बोल जब लाइट हमारा यूं आ रहा है, तो लाइट अगर हमारा बेटा यूं आ रहा है इसके ऊपर, है ना, तो यहां से अगर तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे बेटा तो थीटा ये 90 माइनस थीटा, ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा, है ना बेटा, तो पूरे ऑब्जर्व करने वाले केस में, पूरे ऑब्जर्व करने वाले केस में फोर्स क्या आया था, देखो फोर्स था तुम्हारा बेटा आई इंटू ए इंटू कॉस थीटा बाई सी, आया था बेटा, आया था ना, और डिवाइडेड बाई ये बेटा हमारा एम जी हो गया, तो आई कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा बेटा एम जी इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाई इंटू सी बाई ए, बोल बच्चा होगा, ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएगा, देखो तो एम जी हमारा कितना हो गया, ये हो गया 10 ग्राम, 10 इंटू 10 पावर माइनस 3, जी का वैल्यू हो गया बेटा 10, टेन थीटा हमारा हो जाएगा रूट 3, है ना, और सी हो गया 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया निकालो ए इंटू बी, ए इंटू बी कितना हो जाएगा बच्चा 800 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, इतना आएगा बेटा वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, लिख ले इसको, लिख ले बच्चा,
कौन सीटा भूल गए आप? हाँ सॉरी, कौन सा छूट गया मेरा? मेरा कौन सा छूट गया? लिख लो बच्चा। लिख ले बच्चा। इरेज कर रहा हूं बेटा, इरेज कर रहा हूं। देखो बेटा अगला सवाल, अगला हमारा क्वेश्चन ये है बेटा कि देख, सवाल कहता है बेटा फिर से हमारा इंटेंसिटी आई, फिर से मान ले बेटा इंटेंसिटी आई है ना, और कहता है कि इसमें एक स्फेरिकल बॉडी रख दिया, इसमें रख दिया बेटा एक स्फेरिकल बॉडी है ना, और जिसका कि रेडियस हमारा कैपिटल आर है, ठीक है बेटा, और लाइट का इंटेंसिटी हमारा आई है। कहता है फाइंड फाइंड फोर्स ड्यू टू रेडिएशन, फाइंड फोर्स ड्यू टू रेडिएशन ऑन स्फेयर, स्फेयर पे फोर्स ड्यू टू रेडिएशन निकालना है बच्चा, ठीक है। फर्स्ट इफ इफ द सरफेस इज, अगर सरफेस हमारा हो, फर्स्ट कहता है बेटा परफेक्टली परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, चलो करो तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हो तो कैसा होगा, जो सवाल लिखी दे रहा हूं देखो, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग ये बेटा है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है ना बच्चा, सी हमारा है, सी हमारा है बेटा परफेक्टली परफेक्टली ओपैक, ठीक है बच्चा, क्या है परफेक्टली ओपैक विथ विथ एब्जॉर्प्टिविटी, विथ एब्जॉर्प्टिविटी अल्फा, ठीक है। तुम सवाल को लिखो, इसको मैं ही सॉल्व करूंगा, लिखो बेटा सवाल को। हाँ नहीं मिस, इंटीग्रेटिंग करना पड़ेगा। ऋषभ बोलो सर, कोई डाउट नहीं था सर, पहले कहा रेज हैंड रह गया होगा, सॉरी बेटा। ओके क्वेश्चन लिखो बेटा, फिर मैं क्वेश्चन इरेज कर दूंगा, सॉल्व करने में क्वेश्चन हो जाएगा इरेज। एस एच सही है बच्चा, लेकिन वो किस वाले का आंसर है, ए बी सी का, किसका? सौरभ पूछा है द प्रोसेस बाय विच एसी इज कन्वर्टेड टू डीसी, प्रोसेस नहीं बोलेंगे उसको, प्रोसेस को बोलेंगे रेक्टिफिकेशन, और इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं बेटा रेक्टिफायर। जल्दी क्वेश्चन लिख लो, मैं इरेज करूंगा क्वेश्चन। जल्दी क्वेश्चन लिखो, मैं क्वेश्चन को इरेज करूंगा बच्चा। वही सिखाना है मुझे बेटा इसमें जो तुम पूछ रहे हो कौशिक, इरेज कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन। अब मैं देखो बेटा, क्वेश्चन का पहला सवाल आया जाए कि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है ना, ध्यान दे बेटा, मैं पहला सवाल सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, सीखना ध्यान से बेटा। ये मान लो हमारा स्फीयर बच्चा, ये मान ले बच्चा स्फीयर है ना, और एक ये हुआ बेटा इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ये इसका हुआ हॉरिजॉन्टल डायमीटर,
और मान ले बच्चा कि लाइट जो इसके ऊपर आ रहा है ये ऐसे आ रहा है ना बेटा। और देखो फर्स्ट पार्ट में कहा गया कि ये परफेक्टली हमारा अब्जॉर्बिंग है, तो तुम मुझे बताओ बेटा सरफेस पे जब लाइट गिरेगी बेटा है ना, तो हर पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होगा बेटा या डिफरेंट होगा? बोलो बोलो बोलो, डिफरेंट सेम होगा ना सर, एग्जैक्ट होगा। करना है। बिल्कुल सही बात बेटा, है ना, हर पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट ना होगा बेटा। देखो अगर मैं कहूं कि इस वाले पॉइंट पे बताओ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा बेटा? 0 डिग्री ना, नॉर्मली जीरो जीरो हाँ गिरेगा ना बेटा रे। लेकिन हाँ मैं कहूं बेटा कि अगर इस वाले पॉइंट पे देखो तो क्या हो जाएगा बताओ? इस वाले पॉइंट पे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 हो जाएगा बेटा। तो 0 से लेके 90 तक वेरी करेगा ना बेटा, बोल है ना। तो देख कैसे करेंगे इसको, यहाँ कहेंगे बेटा मान ले बेटा कि यहाँ हम लोग थीटा एंगल पे एलिमेंट्री लिए, थीटा एंगल पे बेटा हम डी थीटा मोटाई का एलिमेंट्री लिए। तो देखो बेटा यूं सोचो जैसे एक संतरा हो बेटा, उस संतरे के छिलके को देखो है ना, संतरे का जो छिलका कट के आएगा ऐसा कट के आएगा, बोलो बेटा है ना। या फिर यू एज्यूम करो बेटा, यू एज्यूम करो कि सैलेड काटने के लिए जो प्याज काटते हो तो प्याज का जो एक लेयर ऊपर से निकल के आएगा वैसा बनेगा बेटा रिंग के आकार का, बोलो है ना, रिंग के आकार का आएगा बेटा है ना। और देखो बेटा इस रिंग का जो रेडियस होगा ये हमारा आर होगा, बोलो बेटा होगा ना, बोलो ठीक है। जबकि इस स्फेयर का रेडियस कितना है बच्चा? कैपिटल आर है ना। तो चलो बेटा मैं इसका एरिया निकालता हूं, तो देखते बेटा ये हमारा क्या है स्मॉल आर, ये है कैपिटल आर, तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर साइन थीटा, कैपिटल आर साइन थीटा। तो इसके बेटा लंबाई कितनी हो गई? ये लंबाई हो गई 2 पाई कैपिटल आर साइन थीटा, है ना बेटा, बोल ठीक है। अब बोलो बेटा ये चौड़ाई कितनी होगी? ये चौड़ाई होगी बेटा आर इंटू डी थीटा, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, बोलो बच्चा होगा, बात समझ गया बेटा। ये हो गया हमारा एलिमेंट्री एरिया है ना। अब सोच बेटा कि अब जब लाइट इस पे गिरेगी है ना, तो बोल बेटा इस वाले सरफेस की अगर मैं बात करूं, इस वाले सरफेस पे बात करूं इस वाले पॉइंट पे, तो जब लाइट गिरेगी बेटा इस पे है ना, तो बोलो बेटा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? देखो थीटाइन होगा बेटा, बोलो है ना। और याद है ना बेटा अब्जॉर्बिंग सरफेस में जो फोर्स लगता है वो लगता है पैरेलल, इंसिडेंट लाइट के पैरेलल लगता है बेटा फोर्स। इसका मतलब इसके वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा बेटा वो ऐसे डीएफ लगेगा, बोलो बेटा लगेगा ना ठीक है। और ये डीएफ कितना होगा, नोट्स को देखो पलट के, कितना होगा डीएफ? डीएफ होगा बेटा आई इंटू डीए इंटू कॉस थीटा बाई सी, बोल बेटा होगा, बात समझ में आ गई ठीक। तो देखते बेटा डीएफ कितना हो गया हमारा, डीएफ हो गया इंटेंसिटी आई इंटू डीए, डीए हो गया बच्चा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, है ना बेटा, इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सी होगा बेटा, बोल होगा ना। तो अब देख बच्चा क्या हो गया, ये हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू आई, पाई आर स्क्वायर इंटू आई बाई सी इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा, बोलो बच्चा होगा होगा बच्चा ठीक है। तो बोलो बेटा नेट फोर्स जब करेंगे तो क्या करेंगे, इंट्रीगेशन करेंगे ना बेटा ठीक है। तो कोई बोलो लिमिट क्या देंगे इसका, बोल बच्चा लिमिट क्या होगा, लिमिट बताओ, लिमिट 0 से 90 0 से 90, बिल्कुल सही कहा बेटा। क्या हो जाएगा ये माइनस कॉस 2 थीटा बाई टू 0 से लेके 90 डिग्री, 0 से π/2 है ना बेटा, क्योंकि यही तक ना करना है इंट्रीगेट, इसके आगे तो लाइट जाएगा ही नहीं, इधर करेंगे इंट्रीगेट इधर वाला अपने आप कवर हो जाएगा है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर आई बाई सी, ये आ गया बेटा हमारा फोर्स ठीक है, बात समझ में आई।
क्लियर है बेटा, फटाफट लिख ले इसको। अब मैं दूसरा पार्ट करूंगा, लिख लो। डेल बोलो बेटा, बोलो से बता देंगे सर। बोलो, आवाज नहीं है बच्चा। हाँ हेलो बोलो, सर, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही बच्चों? बच्चों को तो आ रही है आवाज। हेलो हाँ, बाकी बच्चों को बेटा आवाज तो आ रही है। अच्छा, सर, ऑडिबल नहीं है। तुम एक बार मीटिंग से बाहर निकलो, दोबारा एंटर करो तो एक बार, है ना? बाकी बच्चों का आवाज आ रही है बेटा। तुम अपना एक बार स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाओ, देखो। जेरी, बोलो बच्चा। कोई आवाज नहीं। निखिल, सर, हमें फोर्स को 2 से मल्टीप्लाई भी करना चाहिए क्या सर? वो ऊपर क्यों भी लग रहा है, बच्चा? नीचे भी लग रहा है सर, तो बेटा वो देखो, जो जो मैंने ब्लैक सर। सेडिंग किया ना बच्चा, सुन ना सुन ना, जो मैंने ब्लैक से सेडिंग किया है वो तो बेटा एक ही सरफेस ना है बेटा, यस पूरा दो सर, एलिमेंट थोड़ी है। तुम जो सोच रहे हो ना कि एक एलिमेंट अच्छा हाँ, ऊपर यस एक सर, एलिमेंट यस सर, यस नीचे, सर, नहीं, यस सर, समझ गए ये सर, पूरा एक रिंग है समझ ना। समझ गए समझ गए। हाँ हाँ सर, वो फिगर के वजह से। हाँ नसीर, नसीर बोल बच्चा। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, सर आपने सर डायग्राम में सर एक बार सर बता देना, ये नेट कौन कनेक्शन सी सर लॉस चीज? हो गया। डायग्राम सर एक बार बता देना कैसे किया। अच्छा देख बेटा, भले बात तो लाइट ऑफ ग्रीस के ऊपर, तो हर पॉइंट का बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग है, ये बात समझ गया ना? यस ठीक, अगर बेटा हर पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग है तो हमें इंट्रीगेट करना पड़ेगा। तो सर, किसी एक पॉइंट पे मैंने एरिया सोचा, ये एरिया इमेजिन कर पा रहे हो? हाँ सर, एरिया बिल्कुल, का शेप हाँ इमेजिन सर, कर पा रहे हो ना? ठीक है, तो देख बेटा, ये चौड़ाई जो रिंग की हो गई वो कितनी हो गई है? हो गई ना बच्चा आर डी थीटा, आर्क, बोलो बच्चा, है ना? और यस रेडियस इसका ये है, तो इसकी लंबाई हो गई 2 पाई आर, पूरा सर्किल हो गया 2 पाई आर, और चौड़ाई बेटा है कितना? आर डी थीटा। ठीक है, तो 2 पाई आर करेंगे तो आर की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल आर साइन थीटा। यस सर, समझ हाँ सर, गया? सर आ गया, यस सर आ गया, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। हर्ष पूछ रहा है आर थीटा क्या है। देखना बेटा, इस ट्रायंगल में कैपिटल आर इक्वल टू है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर साइन थीटा, है ना? देखो बच्चा, अब मैं सेकेंड पार्ट कर रहा हूं कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग का। तो देख बच्चा, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग में भी हम ऐसे ही आर लेंगे और ऐसे ही एरिया लेंगे, है ना? लेकिन सेकेंड पार्ट की एनालिसिस में क्या अंतर होगा मेरे को बच्चा? अगर तुम नोट्स को पीछे पलटो, अभी बेटा ये बात समझने के लिए तुम्हारा नोट्स का पीछे पलट के देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल देखो, जो तुमने कल पढ़ा था उस वाली चीज को नोट्स के पीछे पलटो और इस बात को गौर करो। क्या गौर करो? कि देख बच्चा, जब ऐसे लाइट गिरी थी बेटा, जब सरफेस हमारा ऐसा था, है ना, तो मैंने कहा था अगर लाइट ऐसे गिरती है ना बेटा, और ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है बेटा, तो ऐसे लगेगा बेटा फोर्स, बोलो है कि नहीं? लेकिन जब मैंने कहा था बेटा कि वो रिफ्लेक्टिंग है परफेक्टली, है ना, तो ऐसे लगता है बेटा फोर्स, बताओ, याद है ना? सरफेस के परपेंडिकुलर, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना बेटा? तो देखो, ये वाला फोर्स एब्जॉर्बिंग के लिए सही है बेटा, लेकिन रिफ्लेक्टिंग के लिए गलत हो जाएगा ना ये? तो देख बेटा, रिफ्लेक्टिंग के लिए हम कैसा बोलेंगे? देखो, कहेंगे रिफ्लेक्टिंग के लिए जो फोर्स होगा बेटा वो यूं लग जाएगा, बोलो, ऐसा लग जाएगा बेटा फोर्स डीएफ, बोलो, है ना? तो देख बेटा, भले ही मैं तुम्हें यहां पे दिखा रहा हूं, भले ही तुमको मैं यहां पे दिखा रहा हूं बेटा,
लेकिन सब लोग समझते होंगे कि ये तो एक रिंग है ना बेटा, तो जो फोर्स लग रहा होगा वो हर जगह से लग रहा होगा, कौन के जैसा? बोलो बेटा, हर जगह जो फोर्स लग रहा है बेटा वो कैसे लग रहा होगा? कौन के जैसा? बोलो, है ना, इस पूरे सरफेस पे कौन जैसा फोर्स लग रहा होगा? और बेटा वो सारे कौन का फोर्स के एलिमेंट्री का डीएफ है, तो बोलो बेटा इन सब का रिजल्टेंट कैसे आएगा? इन सब का बच्चा रिजल्टेंट कैसे आएगा बोलो? एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही कहा, एक्स एक्सिस। तो क्या हो जाएगा बच्चा? इधर हमारा आएगा रिजल्टेंट, तो कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स होगा बेटा वो इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कॉस थीटा होगा बेटा, बोलो, है ना। दूसरी बड़ी बात, उसमें हमारा जो डीएफ होगा बेटा, नोट्स में देखना, जो डीएफ था वो कॉस थीटा था बेटा, बोलो, था ना, डीएफ हमारा कॉस थीटा था ना बेटा, है ना। अब देखो इसको यहां पुट करो तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये आई बाई सी इंटू टू पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, बोलो बेटा, होगा, ठीक है, है ना। अब इस चीज को वहां पुट करो, क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा टू पाई आर स्क्वायर आई बाई सी इंटू कॉस क्यूब थीटा डी कॉस क्यूब थीटा साइन डी थीटा, बोलो बेटा, होगा, होगा, ठीक है बच्चा, ठीक है। अच्छा टू भी था ना इसमें, सही बोला, इसमें टू भी था बेटा, होगा बच्चा, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये इंटीग्रेशन इसका, बोलो, इसका इंटीग्रेशन फोर पाई आर स्क्वायर आई बाई सी, ये हो जाएगा बेटा कॉस पावर फोर थीटा बाई फोर, बोलो बेटा, माइनस, होगा ना बच्चा, ठीक है। क्या होगा बताओ, जीरो से लेकर के फिर से पाई बाई टू तक, है ना बेटा, ठीक। तो देखो वन बाई फोर में फोर कैंसिल, है ना, और कितना फोर्स आया बेटा, फोर्स आ गया पाई आर स्क्वायर आई बाई सी, है ना बेटा, बोलो क्या दिख रहा है, पहले वाले के बराबर फोर्स आया या अलग आया फोर्स, बोलो बच्चा, सेम फोर्स आया बेटा या अलग आया, सेम ही ना आया बेटा, बोलो, है कि नहीं, ठीक है, लिख लो इसको, नोट कर ले बच्चा। नीरज बोलो, सॉरी बच्चा नेटवर्क तेरा बहुत पुअर है, नेटवर्क बहुत पुअर है बच्चा, कुछ बोलो तुम। सर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होना चाहिए ना सर। बेटा ये बताओ रिंग तो पूरा एक ही ना है बेटा। हाँ सर। तो बोलो रिंग, अगर मैं एंगल जीरो डिग्री पुट करूं, अगर एंगल जीरो डिग्री पुट करूं तो रिंग कहाँ पहुंचेगा, ऐसा होगा पॉइंट। यस सर। थोड़ा सा एंगल बढ़ाओ तो ऐसा रिंग। यस सर। थोड़ा सा और एंगल बढ़ाओ ऐसे रिंग। यस सर। थोड़ा सा और एंगल बढ़ाओ ऐसे रिंग। यस सर। बोलो क्या दिख रहा है, एंगल बढ़ाते जाएंगे तो नीचे वाला सरफेस तो अपने आप ना हो रहा है क्रिएट, फिल किए? नहीं सर समझ में नहीं आया। चल कोई बात नहीं, तू मुझे बता दे ये थीटा एंगल का, तो ये बेटा है जीरो डिग्री पे पहुंच जाएगा रिंग। यस सर। और 90 डिग्री पे रिंग यहाँ पहुंच जाएगा ऐसे। यस सर बड़ा वाला। तो अब बताओ तुमने कहा माइनस बाय टू, तो सबसे बड़ा रिंग हो गया। हाँ सर। ठीक है, माइनस था बाई टू से करते 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 जीरो हुआ, बोलो। यस सर। अच्छा अच्छा समझ में आ गया सर। अब फिर रिपीट हो जाएगा ना वो चीज। हाँ सर। चलो बच्चा इरेज कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं बच्चा।
हाँ बेटा, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग में और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग में, है ना बेटा, दोनों में फोर्स एक्स में ही आ रहा है बेटा, है ना। कर्ण लिख रहा है कि रिंग विजुअलाइज नहीं हो रहा। विजुअलाइज करने का सबसे आसान तरीका, प्याज लो, प्याज को ऐसे काटो सलाद जैसा, ठीक है। जो सलाद जैसा काटोगे, अब एक पार्ट को पकड़ना और सिर्फ बाहर वाले लेयर को निकाल लो, फिर उसको देखना, वही रिंग हमारा है ना बच्चा। और मैं अभी ट्विस्ट दिखाऊंगा बेटा इंटीग्रेशन तुमको, अब तुम खुद से समझो बाकी चीजें। अब जाओ बेटा सी पार्ट में, तो देख बेटा सी वाले पार्ट में क्या कहता है, देखो बच्चा सी वाला पार्ट में कहता है कि ओपैक सरफेस है बच्चा, इसका मतलब इंटेंसिटी अगर आई गिरा, है ना, तो अल्फा इसका अब्जॉर्ब हो गया, तो बोलो बेटा रिफ्लेक्ट कितना हुआ, अल्फा हमारा अब्जॉर्ब हुआ तो रिफ्लेक्ट कितना हुआ, बाकी सारा तो रिफ्लेक्ट हो गया बेटा वन माइनस अल्फा, बोलो रिफ्लेक्ट हो गया वन माइनस अल्फा, बोलो बेटा दैट इज इक्वल टू रो, ठीक है। तो देखो बेटा आई में से अल्फा एब्जॉर्ब हुआ, तो एब्जॉर्ब होने वाला इंटेंसिटी अल्फा आई, और ये वाला हमारा इंटेंसिटी रो आई, है ना बेटा, बोलो, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने वाला रो आई। अब अगर दोनों फोर्स लग रहा है बेटा, लाइट के अगर दो हिस्से हो गए तो फोर्स क्या बोलेगा, फोर्स बोलेगा फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन प्लस फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन वाला फोर्स पहला पार्ट क्या आया था आंसर हमारा, पाई आर स्क्वायर आई बाई सी, बोलो बेटा यही था ना। इसका मतलब आई की जगह पे क्या करना है, अल्फा आई करना है, आई की जगह पे अल्फा आई करना है ना बच्चा, और प्लस यहां ये भी आया बेटा पाई आर स्क्वायर आई बाई सी, तो आई की जगह पे क्या करना है, रो करना है बेटा, है ना। तो अब दोनों में कॉमन लो, तो पाई आर स्क्वायर आई बाई सी कॉमन हो गया अल्फा प्लस रो, तो बोलो बेटा अल्फा प्लस रो कितना हो जाएगा वन, इसका मतलब हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर आई बाई सी, समझ में आया बेटा, है ना। तो बेटा इस सवाल को करने से हम लोग क्या सीखे, इस सवाल को करने से हम लोग कि कॉन्सेप्ट में क्या दिमाग में आई, कॉन्सेप्ट क्या बनेगा बेटा, कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि स्फेरिकल सरफेस में यही खास बात है, स्फेरिकल सरफेस में यही खास बात है कि सरफेस का नेचर चाहे जैसा भी हो हर बार फोर्स बराबर ही लगेगा, है ना बेटा। क्या लिखेगा पॉइंट, इफ ए स्फेरिकल सरफेस, है ना बेटा, इफ ए स्फेरिकल सरफेस इज प्लेस्ड इन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना बेटा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट में इसको अगर रखा जाए, है ना बेटा, तो क्या कहोगे, देन फोर्स ऑन द स्फेयर, फोर्स ऑन द स्फेयर ड्यू टू रेडिएशन, है ना बेटा, रेडिएशन की लगने वाला फोर्स कैसा है बच्चा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सरफेस, समझा बेटा, सरफेस के नेचर से कोई लेना देना नहीं है, है ना बेटा, बात समझ में आया। हर बार ये फोर्स कितना आया, फोर्स बराबर कितना आया, इंटेंसिटी आई ऐसे लिखूं, आई बाई सी इंटू क्या आया बच्चा, पाई आर स्क्वायर क्या है, तो कहेगा इस सर्किल का प्रोजेक्टेड एरिया, मतलब इंटू क्या कहेगा, इंटू कहेगा बेटा प्रोजेक्टेड एरिया, समझा बच्चा, ठीक है, लिख लो बच्चा। वीडियो बिल्कुल सही है बच्चा,
नोट कर लो बच्चा, प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब बेटा क्रॉस सेक्शन। मनीष बोलो। सर मैं पूछ रहा था सर कि परफेक्टली अब्सॉर्बिंग सर रिफ्लेक्टिंग तीनों ही के केस में सेम एरिया आ रहे हैं सर। फिर बोलो एक बार। सर यहाँ पे सर तीनों ही के केस में सेम एरिया आ रहे हैं सर, परफेक्टली अब्सॉर्बिंग रिफ्लेक्टिंग के केस में। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर यार बेटा, हाँ बस समझ में आ गई सर, लेकिन इसका लॉजिक कैसा रहा है सर, क्यों हो रहा है, मतलब तीनों में से मेरे यार है। भाई मेरे, इतना सब करने के बाद तुम मुझसे लॉजिक अगर पूछ रहा है तो बेटा तू सरासर मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है। नहीं सर मतलब इतना सब ड्राइव किया गया, ड्राइव करके तुमको दिखाया है ना बेटा, वो सब तो मैथमेटिक्स करके दिखाया, ये सारी मैथमेटिक्स चीजें मैथमेटिकल इसका प्रूफ हो चुका है बेटा। अब तू पूछ रहा है कैसे हो रहा है, तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा। तू घर से निकला, दुकान तक पहुंच गया, अभी खुद सोचेगा मैं दुकान तक कैसे पहुंच गया, तो फिर तो बेटा इसका कोई जवाब नहीं हो सकता ना। सर प्रैक्टिकली देख रहा हूँ सर, लाइट फॉल कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट बेटा, तो प्रैक्टिकली बेटा तो फिर कोचिंग करने की क्या जरूरत है बेटा, हम लोग को बताओ मैथमेटिक्स तुम्हें क्या जरूरत है, अगर तुम हर चीज को प्रैक्टिकली सोच लो, एग्जाम में बैठो आईआईटी के पेपर में और प्रैक्टिकली सोच के आंसर कर लो, है ना। तो ऐसे ही प्रैक्टिकली सोचने पे आंसर करने पे तुम लोग का नेगेटिव मार्किंग होता है बेटा, भावनाएं एक बार जाते हो, काबू कर अपनी भावनाओं पे काबू कर, है ना। ये बात को दिमाग में डाल कि फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स भी जरूरी है, है ना। अच्छी गाड़ी खरीद करके, अच्छी गाड़ी खरीद करके गांव में रहने का नहीं, है ना, अच्छी गाड़ी खरीद करके शहर में रहने का, ये तो मजा नहीं मिल पाएगा उस गांव में। तो फिजिक्स तेरी अच्छी गाड़ी है, लेकिन जब तो सड़क नहीं होगी ना बेटा, कोई काम नहीं आया गाड़ी हो। ठीक है, ठीक है सर। देख बेटा अब तक जो मैंने बात की बेटा, वो हम लोग सिर्फ अब तक रेडिएशन की बात करी, लाइट के फोटोन की बात करी, प्रेशर की एनर्जी की बात करी, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं बेटा जो चैप्टर का मोन मेन मोटिव था, क्या था बेटा मेन मोटिव, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना बेटा, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, लेट्स सी। चलो मान लिया मैंने बेटा एक हमारा कोई सरफेस, इमेजिन कर ले बच्चा ये कोई भी हमारा सरफेस है, ठीक है, और मान ले बच्चा इसके ऊपर कोई लाइट गिरी, है ना। तो अब तक हम लोग जो सीखे बेटा वो सीख चुके हैं कि जब लाइट गिरेगी बेटा तो लाइट इस पे मोमेंटम भी लगाएगी और एनर्जी भी उसको देगी, है ना बेटा। ये लाइट जो गिरेगी बेटा इसके, है ना, तो लाइट के गिरने से इस सरफेस को एनर्जी भी मिलेगी बेटा और मोमेंटम भी मिलेगी, है ना। मोमेंटम की बात हो गई, अब एनर्जी की थोड़ा बात करें। बोलो बच्चा, लाइट जब गिरेगी तो इसके सरफेस को इस लाइट से एनर्जी मिल सकती है बच्चा, है ना। तो अब सोचो बेटा इस वाले पॉइंट पे जब लाइट यहां गिरी बेटा, इस वाले पॉइंट पे जब लाइट यहां पे गिरी, तो ये पॉसिबल है ना बच्चा कि इस सरफेस का जो एटम हो वो एटम इस लाइट से एनर्जी अब्सॉर्ब करे, है ना बेटा। और लाइट से जब एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो बोलो बच्चा, कोई भी एटम जब एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो क्या होता है, बोलो बच्चा, कोई भी एटम एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं बेटा,
है ना। और जब एक्साइटेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो बेटा तो हो सकता है कि वो एटम आयोनाइज कर जाए, बोलो राइट ना बच्चा, है ना। इसका मतलब ये बिल्कुल पॉसिबल है बेटा कि सरफेस पे लाइट गिरे और यहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करके बाहर कूद जाए, बोलो बेटा है ना पॉसिबल। यहां से लाइट बेटा इसके ऊपर गिरे और यहां का इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करके बाहर कूद जाए, बोलो बेटा है ना। इसी घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, समझ गया, ठीक है ना। अब तुम सोचो कि तुम्हें ये इवेंट करवाना है ना बेटा, तुम्हें ये इवेंट कैसे ना कैसे करवाना ही है। तो बोलो बेटा तुम क्या चाहोगे, गिरने वाले फोटोन की एनर्जी कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए, बोलो बेटा हाई होनी चाहिए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा या कम, फ्रीक्वेंसी हाई या लो, फ्रीक्वेंसी हाई, बिल्कुल सही। और वेवलेंथ लो, बिल्कुल सही बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, सही बात। क्या कहोगे, लो वेवलेंथ देंगे हाई फ्रीक्वेंसी देंगे, है ना बेटा, चलो काम खत्म। तो इससे तुमने क्या इंश्योर किया कि इसको ज्यादा एनर्जी मिल रही है। अब चलो मुझे बताओ बेटा तुम क्या चाहोगे, ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम से टाइटली बाउंड हो या लूजली बाउंड हो, बोलो बच्चा टाइटली बाउंड हो या लूजली बाउंड हो, लूजली बाउंड हो, गुड। अब बताओ तो क्या चाहोगे, मेटल चाहोगे या नॉन मेटल चाहोगे, बोलो बेटा मेटल या नॉन मेटल्स, मेटल्स, गुड। अब बोलो मेटल्स कैसा चाहोगे, लो एटॉमिक नंबर का या हाई एटॉमिक नंबर का, ज्यादा केमिस्ट्री मत लगाना, ठीक है, सिंपल सोचो फिजिक्स में, हाई एटॉमिक नंबर का, बिल्कुल सही बच्चा। तो हाई एटॉमिक नंबर से क्या सोचेंगे हम लोग कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होगा बेटा, न्यूक्लियस से जब इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो अट्रैक्शन कमजोर होगा, अट्रैक्शन कमजोर होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, है ना बेटा, ठीक है। तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। ये तो पक्का हो गया कि ये सरफेस कैसा है, मेटल सरफेस है। तो देखो बेटा मैं क्या लिख रहा हूं, इफ लाइट ऑफ सफिशियंटली लो वेवलेंथ या कहो सफिशियंटली हाई फ्रीक्वेंसी, है ना बेटा, फॉल ऑन ए मेटल सरफेस, है ना बेटा, फॉल ऑन ए मेटल सरफेस, ठीक है ना, मेटल सरफेस, ठीक है बच्चा। प्रेफर्ड कैसा प्रेफर्ड हमारा है बेटा, तो कहेगा हाई एटॉमिक नंबर, है ना बेटा, ठीक है। देन आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम फोटोन, देन आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम फोटोन, है ना बेटा, फोटोन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स में जंप ऑफ का मतलब क्या हुआ, बाहर कूद जाना, जंप मतलब कूद जाना, ऑफ मतलब बाहर, जंप ऑफ, ठीक है। This event of emission of electrons is called photo electric effect. इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं बेटा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर कूद जाएगा, ठीक है, तो क्या कहेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स जो कि बाहर निकल गए आफ्टर इमिशन आर कॉल्ड, उसका अब नाम क्या हो जाएगा बच्चा, उसका नाम हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन, समझ गया, जो इलेक्ट्रॉन बाहर कूद गया उसका नाम हो गया बच्चा फोटो इलेक्ट्रॉन,
ठीक है बेटा। अच्छा दो बार लिख दिया मैंने सरफेस, एक मिनट। प्रेफर्ड हाई एटॉमिक नंबर, ठीक है बच्चा, यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है ना, लिख लो फटाफट इसको, फटाफट लिखो। अमर तो बोलो। सर मैं एक चीज पूछा था सर, जैसे हमने अभी के लिए लिखा सर कि उसका फोर्स जो होता है वो आई बाई सी इनटू प्रोजेक्टेड एरिया होता है। हाँ तो बच्चा, तो पीछे फॉर्मूला लगा रहे सर, उसका भी तो सर बेसिक तो सर यही है सर, आई बाई ए इनटू प्रोजेक्टेड एरिया चल रहा है एब्जॉर्बिंग के लिए सर। बिल्कुल सही बात, लेकिन सरफेस था कैसे बताओ? पर वो सरफेस प्लेन से सर, ये प्लेन था, रुको, अब बताओ प्लेन सरफेस था बेटा, तो एब्जॉर्बिंग का रिफ्लेक्टिंग का सबका सेम आया था क्या रिजल्ट? नहीं सर, रिफ्लेक्टिंग में से एब्जॉर्बिंग की बात कर रहा हूं सर, अगर मतलब पेपर में आता तो क्या हम डायरेक्ट लगा सकते हैं सर, ये कैसा भी सरफेस हो? नहीं बच्चा, नहीं लगा सकते ना, सिर्फ स्फेरिकल में लगा सकते हैं, जब स्फेरिकल में होगा बच्चा, है ना, ठीक है। और स्फेरिकल सरफेस भी कैसा, द कंप्लीट हेमिस्फीयर। सोचो अगर उस क्वेश्चन में लिमिट जो है 0 से 90 ना पुट करके 0 से 45 पुट करो, है ना बेटा, तो सारे पार्ट का आंसर तेरा अलग अलग आएगा, समझा? तो ये एक स्पेशल कंडीशन है कि पूरे हेमिस्फेरिकल सरफेस पे लाइट गिरनी चाहिए पैरेलल बीम, तब एप्लीकेबल होगा बेटा, समझे ना? तो देख बच्चा, जैसा डिफ्रेशन दिख रहा है इससे बहुत क्लियर है कि यहां पे दो ही बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो लाइट में एनर्जी, है ना बेटा, और मेटल सरफेस का ताकत, इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की ताकत, है ना बेटा, और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल करके मूव करना, बस। तो देख बेटा, हम यही देखना है ना, कि मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सुनना ध्यान सब लोग। अब मैं बेटा एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ठीक है बेटा, मेटल का वर्क फंक्शन, इसको मैंने सिंबल दिया W, है ना बेटा, बहुत जगह सिंबल इसका लोग फाई इस्तेमाल करते हैं, कोई साई इस्तेमाल करते हैं, है ना बेटा, कहीं गामा भी इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको W लेके चल रहे हैं, ठीक है बेटा। अब बताना मुझे बेटा, अब मुझे बताना एक चीज कि बोलो बेटा, हाइड्रोजन जो एटम होता है बेटा, है ना, हाइड्रोजन एटम में हम सबको पता है बेटा कि इसमें एक होता है प्रोटॉन, है ना बेटा, और एक होता है इलेक्ट्रॉन, है ना, और हम लोग यही मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में जा रहा है, बोलो बेटा। तो बोलो ये डिस्टेंस कॉन्स्टेंट की वेरिएबल, कॉन्स्टेंट, बिल्कुल सही बात, दूरी बेटा कांस्टेंट है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इसकी कांस्टेंट है बच्चा, बोलो, है ना। अब बोलो ये सर्कुलर मोशन कैसा मानते हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। तो बोलो बच्चा इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है ना बेटा, बोलो, है ना। तो बोलो बच्चा इसकी कितनी एनर्जी होती है, दोनों मिलाकर कितनी एनर्जी होती है, पढ़ चुके हो तुम लोग, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना बच्चा, बोलो, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ क्या हाइड्रोजन एटम नेचर में एग्जिस्ट करता है बेटा? नहीं ना, नेचर में क्या करता है एग्जिस्ट, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, है ना। तो देखना बच्चा, अगर मैं कहूं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो देखना बेटा तुम कह दोगे फिर दो प्रोटॉन, बोलो बेटा दो प्रोटॉन, है ना बेटा, और कहोगे अब दो इलेक्ट्रॉन, बोलो बेटा, कहोगे ना, ठीक है। तो मुझे बताओ अब इलेक्ट्रॉन का यहां से और यहां से, इन सब का ना बेटा होगा एनर्जी, बोलो, होगा ना, सोच के देखो, ठीक है। अब सोच के बताओ क्या ऐसा बोलना संभव है कि इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इन सारे से कांस्टेंट रहेगा?
नहीं ना बेटा, अब बताओ इसकी एनर्जी अब कांस्टेंट की वेरिएबल, बोलो वेरिएबल, बिल्कुल सही कहा। तो अब जो वेरी करेगा बेटा, तो उस वेरी करने का कोई एक मिनिमम वैल्यू होगा, तो कहोगे कोई एक मिनिमम वैल्यू होगा बेटा, बोलो है ना, और कोई एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, बोलो होगा ना बेटा। इसका मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगी बेटा, उसकी एनर्जी का जो लेवल है, वो एनर्जी का लेवल यहां से लेकर के यहां तक कुछ भी हो सकता है, यहां से लेकर यहां तक कुछ भी हो सकता है, बोलो कहां पे होगा, बोलना मुश्किल है ना बेटा। ये बात समझ गया ना, गुड। अब चलो मैं कहूं कि इमेजिन करो कि हाइड्रोजन नहीं, अब मैं कहता हूं इसको हटाओ, ठीक है। अब क्या कहो, अब कहो एक मेटल है ना बेटा। तो अब बताओ जो तुम मेटल की बात कर रहे हो, अब वहां कितने एटम्स हैं, मेटल सरफेस की जहां बात कर रहे हो वहां कितने एटम्स हैं, बहुत सारे, अनंत। कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये भी इनफाइनाइट है ना बेटा। अब तुम सोच के बताओ क्या हर एटम की पोजीशन सेम है, नहीं ना बेटा। कोई हमारी इधर है बेटा, कोई इधर है, कोई बीच में है, कोई साइड में है, कोई बाहर में है ना। तो अब बताओ क्या इसके सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब सेम बोलनी चाहिए, नहीं ना बच्चा। इलेक्ट्रॉन बहुत सारे और सबकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है ना बेटा, ठीक है। तो इन सब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी बेटा, वो तो एक फिर से लाई करेगा मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में, बोलो बोलो, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में लाई करेगा बेटा। और इस मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो बोलोगे बेटा इनफाइनाइट, बोलो है ना। इतने इलेक्ट्रॉन्स कि हर इलेक्ट्रॉन का अगर एक लाइन बनाऊं, एनर्जी का एक लाइन बनाऊं, तो क्या होगा, ये पूरी पट्टी बन जाएगी बेटा, बोल, बन जाएगी ना। अगर सबका लाइन बनाओ तो क्या, देख बच्चा, तो इस वाले कंडीशन में अभी क्या देखा तुमने, ये पूरी पट्टी बन जाएगी ना बेटा, बोल है कि नहीं। अब सोचो जब पूरी पट्टी बन जाएगी बेटा, तो कहेंगे इस मेटल सरफेस पे जिसकी तुम बात करने वाले हो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की पूरी पट्टी बन गई। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान कहां पे है, बोलो यहां से ना, जो सबसे ऊपर में है बेटा, है ना बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है। बात समझते हो ना बेटा, ठीक है। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान है ना। तो इसी लेवल की एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बेटा वर्क फंक्शन, ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या है, तो कहेगा बेटा द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय मेटल सरफेस है ना बेटा, to release photo electron is called work function of metal है ना बेटा। समझे बात को, work function of metal किसको बोलते हैं, तो कहेगा वो कम से कम एनर्जी जिसमें वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो अब सोच के देखो, अगर कहते हो तुम कि ये एनर्जी माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, माइनस 4 से लेकर के माइनस 2 तक है, तो बोलो बेटा इसका वर्क फंक्शन कितना हुआ, बोलो बोलो कितना हुआ, माइनस 2 नहीं बच्चा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यू समझना, निकालने के लिए हमने एनर्जी जीरो करना पड़ेगा, निकल गया। देखो नेगेटिव मतलब
बाउंडेड सिस्टम और पॉजिटिव मतलब फ्री सिस्टम है ना, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए हमें कम से कम देनी पड़ेगी कितनी एनर्जी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, समझे बच्चा? ठीक है, तो क्या कहेंगे बोलो, क्या कहेंगे बेटा कि कम से कम एनर्जी हमारी है ना, तो देखो तो बच्चा लिखेंगे टू अकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के होने के लिए क्या होना चाहिए, ई मतलब फोटोन की एनर्जी है ना बच्चा, ये क्या होना चाहिए बोलो, वर्क फंक्शन से बड़ा या बराबर होना चाहिए, बोलो बच्चा है कि नहीं। तो अब सोच के बताओ बेटा, इसमें इस मेटल सरफेस पे अगर हम जितने फोटॉन्स हैं वो सबको गिराया, लेकिन सारे फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ठीक है, तो क्या तुम ये पक्का बोल सकते हो कि यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, बोलो बच्चा बोलो, श्योर बोल सकते हो, श्योर नहीं बोल सकते ना बेटा, तो इस बात को ध्यान रखना बच्चा है ना, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हर चीजें प्रोबेबिलिटी बेस्ड होती है ना, क्योंकि समझो ये तुमने जो इलेक्ट्रॉन्स कहे हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ फैले हुए हैं है ना, और सबका इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट है बेटा, तो अगर तुम फोटोन भेजोगे तो तुम श्योर नहीं हो सकते ना बेटा कि वो फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला बिल्कुल उसी के पास तुम पहुंचेगा जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकलने वाला है, नहीं ना बोल सकते बेटा ऐसा, इसलिए कभी भी यहां श्योर शॉर्ट बात नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे बेटा एनर्जी है ना, तो संभावना बहुत कम होगी, अगर तुम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते हो तो संभावना बढ़ जाएगी, अगर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते हो तो संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चा है ना। तो देख बेटा, कहेंगे एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला, तो कहोगे 2 फॉर्मूला है, एक तो E बराबर HF और एक फॉर्मूला है HC/λ है ना, तो एक बार मैंने इसको इस्तेमाल किया और कहा E इज मोर देन इक्वल टू W, इसका मतलब बेटा F का जो मिनिमम वैल्यू आया वो कितना आया, W/H, बोलो बच्चा है ना, तो फ्रीक्वेंसी जो कम से कम होती है बेटा उसे बोलते हैं क्या, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलेगा बच्चा, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो बेटा इसको यूज किया तुमने है ना, तो देखो बेटा इसको तुमने अगर यूज किया तो क्या हो जाएगा, उल्टा है ना सिंबल, जब ये नीचे है ना देखो ये ऊपर है ना, है कि नहीं, उल्टा हो जाएगा ना कहानी, मतलब यहां क्या होगा बच्चा, लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू HC/W, समझा बेटा, याद रखना थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ है ना बच्चा, और थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा है ना। अब देखो इसको इरेज कर दूं ना, हाँ तो बहुत पहले हो चुका है, देख बच्चा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, तो कहोगे फ्रीक्वेंसी इससे बड़ी होनी चाहिए और वेवलेंथ इससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है बच्चा। अब चलो मैं बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चा, मैं बात कर रहा हूं अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चा, सुनना ध्यान से एकदम। मान लो ये हमारा बेटा मेटल सरफेस, ये मेटल सरफेस, वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना बेटा, तो क्या ये बोलेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बोलो यस और नो, नहीं ना बेटा, 2 या 2 से ज्यादा में निकलेगा है ना बेटा। तो अब बताओ अगर मैं कहूं कि यूं सोचो कि एनर्जी का बैंड है, कहां से कहां बैंड है, -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का, मतलब बेटा मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है। अब मुझे बताओ अगर एक फोटोन गिरा और किस पे गिरा, उस इलेक्ट्रॉन पे जो इस लेवल पे खड़ा है,
तो बोलो बेटा अगर मैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दूंगा फोटोन में, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। 8 होगी, बिल्कुल सही बात, 8 होगी, बिल्कुल सही बात। अच्छा अब बताओ, अगर मैंने कहा बेटा इसके बारे में सोचो, जिसकी एनर्जी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर ये फोटोन आकर के इसके ऊपर गिरे तो यहां से निकलने वाले कितनी एनर्जी? 7.5, बिल्कुल सही बात। और बोलो अगर ये फोटोन आकर के इस लेवल पे गिरता है तो? बोलो 6.4। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं फोटोन सारे गिराया तो मैंने ये सारे फोटोन अलग फ्रीक्वेंसी के गिराए थे या सेम फ्रीक्वेंसी के गिराए थे? बोलो बच्चा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का या सेम का? सेम का, बिल्कुल सही। अब बताओ यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम है कि डिफरेंट है? बोलो डिफरेंट है बेटा, बिल्कुल सही कहा। तो सबसे पहली बात क्या कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा बेटा, है ना, इलेक्ट्रॉन के पास वही काइनेटिक एनर्जी होगी जितनी एनर्जी बाहर निकलने के बाद बच जाएगी, है ना बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? तो क्या ना, काइनेटिक एनर्जी का मतलब भी अब बेटा रेसिडुअल एनर्जी आफ्टर इमिशन, है ना बेटा। कहोगे बाहर निकलने के बाद जो एनर्जी हमारी बच गई वही काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है बच्चा। दूसरी बड़ी बात क्या बच्चा? तो कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ, है ना बेटा, इज इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है बच्चा, है ना, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है, बिलो ए सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है बेटा। तो मुझे बताओ यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बेटा, उन सारे इलेक्ट्रॉनों की भीड़ में, मुझे बताओ कि वहां पे अधिक से अधिक काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है इस डायग्राम में? बोलो, मैक्सिमम 8, ठीक, बिल्कुल सही बात। अब मुझे बताओ इसका जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला बेटा, इसका जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, क्या ऐसा भी इलेक्ट्रॉन पा सकते हो क्या जिसकी काइनेटिक एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हो? मिलेगा क्या? यस और नो बोलना सिर्फ। क्या ऐसा मिल सकता है जिसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हो? मिल सकता है ना? क्या ऐसा मिल सकता है जिसकी एनर्जी 5.2 हो, 2.3, 2.12, 6.53, 9.44, कुछ भी मिल सकता है ना बेटा। इसलिए क्या बोला हमने? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, है ना बच्चा। इसलिए क्या कहा मैंने? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। आई बात समझ में? तो क्या कहोगे? काइनेटिक एनर्जी जो कहेंगे उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी बच्चा? तो E-W, है ना बेटा। काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बेटा? E-W। समझ में आई बेटा बात? एक मैक्सिमम वैल्यू से कम कुछ भी मिल सकता है, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी बच्चा? 8। वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 8 से कम कुछ ही मिल सकता है। 7.44, 6.23, 5.54, 5.99, बोलो, 9.44 नहीं होगा बच्चा, गलती बोल दिया मैंने। समझ में आया बेटा बात यहां तक ना? तो मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी? कहेंगे E-W। E-W से कम कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चा। फटाफट इसको लिखो, जल्दी लिखो। आयुष देख बच्चा, -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एनर्जी? मैंने कहा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा, है ना, लेकिन आउटर मोस्ट के जो अंदर का इलेक्ट्रॉन होगा बेटा उसकी और भी तो कम एनर्जी हो सकती है ना बेटा, ठीक है। पीयूष बोलो सर, जैसे एक इलेक्ट्रॉन की -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है आयनाइज होने, उतनी हमने 10 दे दी,
तो मान लो जम बाहर निकल गया, पर उसके उसके बाद तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी ही नहीं, रहेगी नहीं, बिल्कुल सही बात। तो क्या बोलेंगे उसके लिए बताओ, कि वो क्रिटिकल कंडीशन है सर। तो फिर वो करेगा क्या, वो तो जम हो ही गया बस। हाँ बस इमिशन हो गया बोलेंगे, और ये भी बोल सकते हैं कि वहां तक इमिशन नहीं हुआ। अच्छा दोनों बातें बोल सकते हैं ना, तुम घर के दरवाजे पे खड़े हो और तुम घर के बाहर भी हो घर के अंदर भी हो, या फिर ना घर के अंदर हो ना घर के बाहर हो, तुम क्रिटिकल जगह पे हो। ओके सर। मनीष सर, जैसे इस सरफेस पे सर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन सर फॉल करा रहे हैं, तो सर सरफेस के सर इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट हो जाएंगे सर, उसके नीचे जो डिप्ट इलेक्ट्रॉन होंगे सर वो कोलाइड नहीं कर जाएंगे टॉप सरफेस पे मीटर से। हेलो हेलो सरफेस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव में क्यों है बेटा, ये बात ध्यान याद रखो इस बात को, कि नेगेटिव मतलब क्या, नेगेटिव मतलब बाउंडेड सिस्टम, बंधा हुआ सिस्टम, फ्री सिस्टम मतलब जीरो सिस्टम। एक बार ग्रेविटेशन डिवाइस कर ले बच्चा, नहीं मेरे क्लास फ्री नहीं है बच्चा, अगली क्लास है मेरी, बस मैं चाहता हूं कि तुम्हारा और पीए स्टार का सिलेबस एकदम बराबर हो जाए, है ना, बस एकदम बराबर होने वाला है थोड़ा सा, मैं अभी मैं तुम्हें अपग्रेड कर रहा हूं, है ना, मैं तुम्हें अपग्रेड कर रहा हूं, सिस्टम तुम्हारा अपग्रेड हो रहा है अभी, है ना। जब तेरा बैच शुरू हुआ था तब तू विंडो XP था और पीए स्टार विंडो 10 था, है ना, तब मैं तुम लोग को विंडो 8.1 तक तो ले आया था, आज मैं तुमको विंडो 10 तक पहुंचा रहा हूं। इरेज कर रहा हूं बच्चा। कनीस बोल रहा है तो ऐसा करो उसको ही डाउनग्रेड कर दो। चलो 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 इरेज कर रहा हूं बेटा, देखो अब देखो बेटा, एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं बच्चा, एक टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं, क्वांटम एफिशिएंसी, है ना बेटा। बहुत जगह तुमको इसी टर्म का नाम ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है बच्चा, फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी, है ना बच्चा। अब देखो तो क्वांटम एफिशिएंसी क्या है, तो कहेंगे बेटा इट इज द रेशियो ऑफ, ये रेशियो है बच्चा, इसको लिखा ईटा, तो देखो बेटा ईटा हमारा क्या है, तो कहोगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड, ठीक है बच्चा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स, उल्टा कर दिया मैंने यार, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड, ठीक है बच्चा, ठीक है। मान लो अगर 10 फोटोन गिरे और 4 इलेक्ट्रॉन निकले तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4/10, ठीक है, नोट कर लो बच्चा। अदर नेम ऑफ दिस, ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी। हाँ बेटा इमिशन बहुत ज्यादा होगा, उसकी संख्या लिमिटेड नहीं होगी। अच्छा अब सीट बताओ, सीट में क्या था होमवर्क, क्या करना है डिस्कस हम लोग को बेटा, सीट में क्या करना है डिस्कस, एक्सरसाइज 1A किस चैप्टर का, एसी का, एक्सरसाइज 1A करना है, डिस्कस 1 तो हो चुका है बेटा हम लोग को,
एक्सरसाइज वन का एसी, अरे क्या बोल रहा है भाई, हाँ एक्सरसाइज टू पार्ट वन एसी, ये सही बोला, याद आ गया मुझे, निकालो निकालो एक्सरसाइज वन टू पार्ट वन, और सब रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज वन कंप्लीट करना है लास्ट सेक्शन, ओके ठीक है। हाँ बेटा अपग्रेड इज कंप्लीटेड, अपग्रेड इज कंप्लीटेड है ना, अब सॉफ्टवेयर जैसा चाहो वैसा इंस्टॉल कर लो। मैं तो बार बार भी अपग्रेड पहले भी किया हूं अपग्रेड, लेकिन अपग्रेड करता हूं फिर तुम लोग डाउनलोड हो जाते हो, किसी किसी दिन इतने सारे क्वेश्चन पूछते हो है ना कि फिर आगे नहीं बढ़ पाता, उस दिन फिर पीछे हो जाते हैं हम लोग। अब पीछे नहीं करना बेटा, पीछे हो तो अगर बराबर आते हैं ना तो एक फायदा है, कभी कभी कंबाइंड क्लास भी लगा सकते हैं, डिस्कशन कंबाइंड कर सकते हैं है ना, इसका फायदा है तो कोर्स ज्यादा तेजी से बढ़ेगा है ना। अच्छा अनम्यूट कर दूं, अरे कोर्स तुम्हारा नवंबर तक खत्म हो जाएगा, चिंता मत कर, चिंता बिल्कुल नहीं, इतना किनारे आ चुके हो अब क्यों डरते हो बेटा। Allow participants to unmute themselves. कर दिया? हाँ सर हो गया। हो गया। अच्छा आप चलो। एसी का निकाल लास्ट सेक्शन। बोलो बोलो। F3. तू पार्ट वन किया था ना? एक्शन। एक्सरसाइज वन का बच्चा बताना। एक्शन ही बात। एक्सरसाइज वन पार्ट टू सेक्शन F3 डाउट है सर। ई भी बात कर रहे हैं। कैंप नहीं किया सर अभी। पहले ई से करते हैं, सेक्शन ई, पार्ट टू सेक्शन ई, इवन ई टू। देखो बच्चा इवन ए पावर ट्रांसफार्मर, ए पावर ट्रांसफार्मर लिखा बेटा स्टेप अप विथ 1:8 टर्न हैज 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 120 वोल्ट अक्रॉस द प्राइमरी, द लोड इन द सेकेंडरी इज 10 पावर 4 ओम, द करेंट इन द सेकेंडरी इज, देख दो बच्चा क्वेश्चन नंबर इवन हमारा क्या कहता है, देखो बच्चा डाटा हमारा क्या क्या दिया हुआ है, देखो इवन कहता है बेटा इवन में कि प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न का रेशियो है बच्चा 1:8 है ना, और कहता है फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज जाए है ना प्राइमरी के क्रॉस ईपी, ये हमारा है बच्चा 120 वोल्ट ठीक है, एंड द लोड इज 10 to the power 4 ओम सेकेंडरी में, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी ये है 10 to the power 4 ओम ठीक है बच्चा, तो करंट इन सेकेंडरी कॉइल कितना होगा, तो देखो ना बच्चा इसको कर देना ep upon es करने से es निकल जाएगा, तो सेकेंडरी का करंट क्या हो जाएगा बच्चा es/rs ठीक है। अब देखो बच्चा e2 कहता है ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू लाइट ए 140 वाट 24 वोल्ट लैंप, देख बच्चा कहता है एक लैंप लिया जाए, इस लैंप के बारे में क्या लिखा है देखो बच्चा 24 वोल्ट है ना बेटा, और 140 वाट है ना, लेकिन वाट कैसे करना है, इसको जलाना कैसे है, जलाना हमको है 240 वोल्ट एसी मेन से है ना बेटा, जो हमारा सप्लाई है मेन्स का मतलब क्या कहना कि हमारा सप्लाई है बच्चा, जो हमारा सप्लाई है ये हमारा है बच्चा 240 वोल्ट का ठीक है, तो करंट इन द मेन केबल 0.7 एम्पियर है, इसका मतलब बेटा प्राइमरी का करंट हमारा है कितना 0.7 एम्पियर, तो समझो बेटा ये सब बात किसकी हो रही है, ये हो रही है बात बेटा प्राइमरी की है ना, और मिल रहा है किसको आउटपुट, इसका मतलब यहाँ बात हो रही है बच्चा सेकेंडरी की ठीक है, तो कहता है बेटा एफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होगा, तो देख बेटा पावर निकाल लो बेटा आउटपुट, तो आउटपुट पावर कितना हो गया, आउटपुट पावर हो गया बेटा 240 इंटू 0.7 इसका मतलब 168 वाट, बोलो बेटा होगा ना, 24 आते 68 से होगा बेटा, तो देख बेटा एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, पावर आउटपुट सॉरी प्राइमरी एनर्जी बेटा, तो पावर इनपुट ना हुआ, पावर आउटपुट बाई पावर इनपुट, तो आउटपुट कितना चाहिए सेकेंडरी में 140 वाट का बेटा, अरे हमारा कितना पावर है 168, समझ गए, परसेंटेज निकालना है। सेक्शन ई में और कोई
देखो बेटा F2 में F2 कहता है क्या, ये चोक कॉइल सूड है। देख बेटा जो चोक कॉइल होता है ना बेटा, चोक कॉइल जैसे इसका नाम है, एक बक्सा होता है बेटा, लेकिन इसके अंदर एक कॉइल होती है ना बेटा। तो चोक कॉइल में तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते हो बेटा इंडक्टर, तुम ही चाहते हो ना इंडक्टर। लेकिन बेटा कोई भी इंडक्टर को बिना तार की मदद से बना पाओगे क्या? नो सर। तार चाहिए ना, अगर तुम तार लोगे बेटा, वायर लोगे अगर, है ना बेटा, तो लंबी वायर लोगे ना। यस सर। और जब लंबी वायर लोगे है ना, तभी ना मोड़ के कॉइल बनाओगे। यस सर। है ना बेटा, इसका मतलब इस इंडक्टर के रेजिस्टेंस से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रेजिस्टेंस तो आएगा ही बेटा, है ना? लेकिन बताओ क्या रेजिस्टेंस तुम चाहते हो या नो सर? मजबूरी है ना बेटा, इसका मतलब हम यही कोशिश करेंगे कम से कम हो। यस सर। है ना बेटा, इसका मतलब ये हाई हो, हाई हो बेटा। तो आंसर क्या होगा, हाई इंडक्टेंस लो रेजिस्टेंस। F1 चाहिए। एक कैपेसिटर इज ए परफेक्ट इंसुलेटर फॉर, बोल तो बच्चा तुम कॉमन सेंस लगाओ। अगर तुम कहते हो परफेक्ट इंसुलेटर, है ना बेटा, एकदम कॉमन सेंस लगाते हैं हम लोग हैं, तो बोल तो बेटा परफेक्ट इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ? इससे करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। अगर करंट फ्लो नहीं हुआ, इसका मतलब DQ/dt जीरो है। लेकिन बेटा चार्ज ऑन कैपेसिटर का फॉर्मूला तो होता है CV। इसका मतलब क्या चाहते हो, पोटेंशियल कांस्टेंट के वेरिएबल? आगे पूछो। F3 चोक बता दिया बेटा, F3 तो अच्छा अच्छा सॉरी, चोक कॉइल इज प्रेफर्ड टू ए रिओस्टेट। कहता चोक कॉइल रिओस्टेट के क्यों करते हैं प्रेफर, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता है ना बेटा। अभी तो लिखा लो रेजिस्टेंस होता है ना, तो पावर लॉस कम होगा ना इसमें। यस सर। समझ गया, आगे चलो। F में और कोई? F6 लिखा, हां F6 में, F6 में कहता है बच्चा कि एक एसी एमीटर है, उसको यूज कर लिए हम लोग बेटा, है ना, और गिवन डायरेक्ट करंट कांस्टेंट पासेस थ्रू द सर्किट, एसी एमीटर रीड्स 3 एम्पीयर। बोल तो बच्चा एसी का इंस्ट्रूमेंट डीसी में काम करता है कि नहीं? यस सर। करता है। इसका मतलब जो डीसी के मेजरमेंट होगी वो सही देगा ना ये तो 3 एम्पीयर? बिल्कुल सही देगा। यस सर। ना बेटा अब कहता है व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट पासेस थ्रू सर्किट एसी एमीटर रीड्स 4 एम्पीयर, तो बोल बेटा जो एसी करंट नापा है वो एसी करंट कितना नापा है? 4 एम्पीयर। और सब लोग जानते हो बेटा एसी में करंट का मतलब होता है RMS। यस सर। है ना बेटा, तो क्लियर हो गया हमें कि हमारे पास 3 एम्पीयर का बेटा कांस्टेंट करंट है, बोलो, है ना, और इसमें मुझे ऐड करना है, क्या करना है, ऐड RMS करंट 4 एम्पीयर। इसका मतलब पीक करंट कितना हो गया? 4√2। तो एसी है ना बेटा, तो साइन ओमेगा टी। इसका मतलब वाकई में करंट क्या हो गया, दोनों को मर्ज करो तो 3+4√2 साइन ओमेगा टी। अब कहता है इसको बेटा पास करा दो किससे, एमीटर से। इसका मतलब कौन सी वैल्यू नापेगा वो? RMS। RMS मतलब इसके इसका RMS निकालना आता है तुमको ना? यस सर। यस सर। यस सर। आगे चलो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में। सर 9th का 5th और 6th। 9th का 5th और 6th ये क्या है भाई? 2 पार्ट 1 9th क्वेश्चन का 5th और 6th ऑप्शन। अच्छा अच्छा 9th क्वेश्चन का 5th और 6th ऑप्शन। यस सर। अच्छा तो बहुत सारे पार्ट है इसमें। यस सर। शुरू से 1 से 5 पूछना है किसी को? 1 से 5 में 3। हां सुन लिया बेटा, 3 नंबर देखो तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में सवाल कहता है बेटा इसमें एक बता चुका हूं, ये छोड़ क्या टेंशन लेना यार, खत्म करो, बता देते देखो।
एल हमारा दिया है बेटा, सी हमारा दिया है ना, और हमारा रेजिस्टेंस दिया है सीरीज में एसी वोल्टेज सोर्स में। कहता है बेटा एसी वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज है ये 10 cos 100 pi t, तो साफ दिख गया बेटा मुझे कि ओमेगा की वैल्यू हमारी है 100 pi ना बेटा। बोलो इसका मतलब क्या, एक्सेल निकाल लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा बेटा ओमेगा एल। देखो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा 1/100 pi × 100 pi, कितना हो गया बोलो, 1 ओम। अरे अब एक्सी हो जाता है बेटा क्या, 1/ωc, सो 1/ω हो गया बेटा 100 pi, और सी हमारा कितना देखो तो 1/500 pi, 1/500, इसका मतलब आ गया बेटा पाई 5 ना। अब तीनों है बेटा सर्किट में, यस सर, बनाते हैं फेज डायग्राम। ये बेटा करंट, ये हमारा वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस है ना बेटा, एक्सी देखो बड़ा है ना, तो ऐसे हो गया बेटा हमारा वीसी वीएल, एक्सी बड़ा है ना तो वीएल छोटा बनेगा ना बेटा, तो वीएल छोटा बनेगा और वीसी हमारा बड़ा बनेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा बेटा वीएल माइनस वीसी, वीसी माइनस वीएल होगा, तो फिर इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा ना बेटा बोल, यस सर, है कि नहीं। तब देखो तो इसका इम्पीडेंस क्या होगा, इसके लिए पता है ना आर ए स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर है ना बच्चा, ये आ गया तुम्हारा 5 ओम। ठीक है बेटा, इसका मतलब करंट कितना हो जाएगा बोलो, आरएमएस करंट या पीक करंट कितना, तो कहोगे बी पीक बाई जेड, ये हो गया बच्चा 2 एम्पियर। इसका मतलब बोलो वीसी क्या निकालना था हम लोग को, वोल्टेज अक्रॉस एबी, वोल्टेज अक्रॉस एबी ना बेटा, एबी मतलब क्या है वीसी माइनस बीएल ना बेटा, तो वीसी माइनस बीएल क्या हो जाएगा पीक वैल्यू, तो कहेंगे आई नॉट इन टू एक्सी माइनस एक्सएल बोल बच्चा होगा, ये हो गया बेटा 8 है ना। तो अब बता बच्चा ये 3 ओम दिया था और ये हमारा आ गया बेटा 4 ओम, तो ये कितना एंगल हो गया 53 ना बच्चा, तो ये कितना होगा 37। तो अब क्या बोलोगे बेटा, वीएल माइनस वीसी को अगर मान लू मैं एक्स, ये एक्स नहीं कुछ और मान लेते हैं, चलो इसको एस मान लेते हैं, तो बोल बेटा एस का जो वोल्टेज है वो रिजल्टेंट वोल्टेज से कितना पीछे है, 37 डिग्री पीछे है ना, तो 37 डिग्री पीछे कौन से ऑप्शन में है, देखो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी, क्लियर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो आगे के लिए होमवर्क में, अच्छा एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 हो गया था बेटा एसी में, नो सर, नो सर, तो 1 का पार्ट 3 कर लोगे, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 और पार्ट 3 कर लोगे, ठीक है, पार्ट में 6 सवाल हो जाए तो देने के लायक नहीं है अभी, रुक जाओ, हाँ पढ़ाया जाएगा लेकिन वो सर उतना नहीं पढ़ाया जाएगा जितना केमिस्ट्री में, और तू बोलेगा अणु पढ़ाओ, हाइजेंसबर्ग पढ़ाओ, सॉलिड क्रिस्टल पढ़ाओ, उतना नहीं आता मुझे, जितना फिजिक्स में वो मॉडल तक वही तक पढ़ाऊंगा, चल बाय, वी आर हैप्पी बिकॉज़ वी आर अपग्रेडेड।